जी स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल है एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स एक्स बीच में साइन क्या आएगा, माइनस का। एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, एक्स एक्स स्क्वायर होता है, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करा, आंसर कितना आया, वन। ये तो था अगर आपके पास ऑर्डर टू बाई टू का है। अब है अगर आपके पास ऑर्डर क्या है, थ्री बाई थ्री का है। उसका क्या फॉर्मूला है बेटा, ध्यान से देखना। कोई भी आपके पास मैट्रिक्स ए है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये वाला सिंबल है आपका ए वन वन, वन टू, वन थ्री, टू वन, टू टू, टू थ्री, थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री। पता ही आपको बेटा, अगर आपके पास थ्री बाई थ्री का ऑर्डर है तो आपके पास क्या फॉर्मूलाज रहेगा। माइनस वन लेके चलोगे, माइनस वन, ऊपर क्या आएगा आपके पास, ए आई जे आएगा। मतलब ये आई है और जे है, आई और जे का सम आएगा। अगर हम ए वन वन का फाइंड कर रहे हैं, ए वन वन का फाइंड कर रहे हैं, तो माइनस वन की पावर वन प्लस वन आएगा। देखो लिखा है माइनस वन का मतलब क्या है, सम ऑफ सुफिक्स इन ए वन वन, जिसका फाइंड करने हैं उसका सम आएगा। उसके बाद क्या करना है, माइनस वन ए वन वन का फाइंड करना है, वही आपके पास जो वन वन है तो वन वन आ जाएगा। देखो हमने क्या करना है, जिसका फाइंड करना है उसके सामने वाली आपने क्या करना है, ऐसे क्रॉस का साइन कर लेना है। बीच में क्या रह गया आपके पास, ए टू टू, टू थ्री, थ्री टू, थ्री थ्री। तो आपने उसका डिटर्मिनेंट, आपके पास कोई टू बाई टू का आ गया, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। फिर हमने सेकंड एलिमेंट का फाइंड करना है, वन टू का। माइनस वन की पावर क्या आएगा, वन प्लस टू आएगा। देखो फिर मैंने कहा था ना, उसके ऊपर से लाइन जानी चाहिए और ऐसे करके वो कट होना चाहिए, वो वाला नंबर्स। ठीक है, हमारे पास क्या रह गया, टू वन, थ्री वन, टू थ्री, थ्री थ्री। सिमिलर सारे करेंगे। फिर हम क्या फाइंड करेंगे, वन थ्री का फाइंड करेंगे, वन थ्री, माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री। इसको आपस में फिर कट कर दो, फिर क्या रह गया, टू वन, टू टू, थ्री वन, थ्री टू। जैसे हमने रो वन का फाइंड करा है, ऐसे हम किसका फाइंड करेंगे, रो टू का फाइंड करेंगे। टू वन का फाइंड करने, फिर आपस में कट कर दिया, आप हमारे पास क्या रह गया, ए वन टू, वन थ्री, थ्री टू एंड थ्री थ्री। ऐसे ही आप करके सारा ये फाइंड आउट कर लोगे। ऐसे ही आप सेकंड रो का फाइंड करोगे, ऐसे ही आप थर्ड रो का फाइंड करोगे, और इसी बेस पे आप ये क्वेश्चंस करोगे।